अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीन है, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। इस वीडियो की काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हमारी कैट के मुंह से फोम निकल रहा है, झाग निकल रही है, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। आपके पेट में 5 ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से झाग निकलती है। पहली जो रीज़न है वो है कोई भी पॉइजनस चीज़ का खा जाना। बाज़ औक़ात आपके जो कैट है वो किसी भी चीज़ का शिकार करती है, वो बेशक घर में मेंढक है, छिपकली है, चूहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पॉइजनस हो सकती है। ज़्यादातर जो घरों के अंदर छिपकलियाँ होती हैं, मेंढक है, बेशक जो चूहे वगैरह हैं, वो पॉइजनस नहीं होते, लेकिन जब वो खा लेते हैं तो वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ झाग निकलती है, क्योंकि एक तो उसका टेस्ट मुख्तलिफ होता है, दूसरा उसके स्टोमिक में एसिडिटी हो जाती है। उसके अलावा पॉइजनस में अगर आप घर में कोई भी केमिकल रखते हैं, घरों में हर जगह पर केमिकल तो होते ही हैं, जस्ट लाइक आप फर्श को लगाने वाला केमिकल, कपड़े धोने वाला केमिकल, कोई भी ऐसा केमिकल जो आपका पेट एक्सीडेंटली लीक कर लेता है या जानबूझ के कर लेता है, तो मुंह से झाग आ सकती है। इसको एंटी फ्रीज पॉइजनिंग कहते हैं। ये ख़तरनाक हो सकती है अगर आपके पेट में लगातार झाग निकल रही है, उसके साथ साथ थरथराहट बहुत ज़्यादा है और आपका पेट बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर उसने नॉर्मल सी कोई चीज़ खा ली है तो घबराने की बात नहीं है, आपका पेट ईजिली कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा। एक मेडिसिन होती है जिसे हम एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं। ये बेसिकली इस्तेमाल होती है जब आपका पेट कोई भी जहरीली चीज़ खा लेता है तो उसको अब्जॉर्प्शन के लिए, उसके पॉइजन के असर को ख़त्म करने के लिए। दूसरा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको खुद रिकमेंड नहीं करूँगा, घर पे ना कीजिएगा। उसको डाइल्यूट करके पिलाया जाता है ताकि अगर कोई चीज़ खाई है तो फ़ौरन वो उल्टी कर दे, तो जिस्म के अंदर जहर ना फैले। दूसरी वजह, आप अब कोई भी पेट स्प्रे करते हैं, फ्ली या टिक का स्प्रे कर देते हैं, तो बाज़ औक़ात ई कॉलर नहीं लगाया होता, स्प्रे करने के बाद वो फ़ौरन लीक कर लेती है, और उसके अंदर केमिकल तो होता है। हर कंपनी का एक सेफ साइड ज़रूर होता है कि उस केमिकल को इतने टाइम तक लीक नहीं करना। अगर वो लीक कर लेती है तो वक्ती तौर पे उसके टेस्ट चेंज होने की वजह से मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है। तीसरी वजह, अगर उसको पेरियोडोंटल डिजीज है, डेंटल का इशू है, गम्स में कोई स्वेलिंग है, तो इस वजह से भी ऐसे मसल मिसाइल आ सकते हैं। या अगर आप कोई भी दवाई दे देते हैं, बेशक वो टैबलेट है, टैबलेट में ज़्यादातर मुंह से झाग नहीं आती लेकिन सिरप में ज़रूर आती है, तो घबराया नहीं करें। जब आप कोई भी सिरप देते हैं तो कैट का एक नॉर्मल अमल होता है कि वो मुंह से झाग निकालें, क्योंकि उसको टेस्ट पसंद नहीं आ रहा। तो बच्चे भी, छोटे इंसानों के बच्चे भी थोड़ा बहुत ऐसे ही करते हैं, वो अक्सर का या तो निकाल देते हैं, तो इंसान में फिनोमेना कुछ और होता है, पेट में कुछ और होता है, वो ज़ुबान को कंटिन्यूसली हिला रहे होते हैं जिसकी वजह से उसके मुंह से झाग निकलता है। आखिरी वजह, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है जिसमें मुंह से झाग निकलता है, एपिलेप्सी जिसे हम मिर्गी के दौरे कहते हैं, वो पेट को भी कैट को भी पड़ते हैं, उसमें भी हो सकता है, या फिर कैल्सी वायरस के अंदर मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं जिसकी वजह से मुंह में दर्द होता है, ज़ुबान में दर्द होता है, और दर्द की वजह से उसमें से झाग आना शुरू हो जाती है। ये 5 ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से आपके पेट के मुंह से झाग आती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।